यू तो हुक्का भी ठंडा ही हो लिया खेत तो मैं कोई हांडिया हूँ। मोनू तू आज कॉलेज आते वक्त एक खाद का कट्टा ले आई बेटा। अरे माँ तू कैसी बात कर रहे है, यह बुलेट है बुक्की कोई है और पापा पूरे दिन ठालिया में इनसे मंगवा लेकर कुछ। अल्ली अरे हम तो बेकारे हैं। अरे जिसके तेरे जैसी नालायक औलाद हो ना उसके बड़े बुड्ढों को कबाड़ा बताया जान लगे समझ गया। कान पे ऐसा धरुआ रे 24 घंटे सुबह उठते ही तू इस लालटेन सी को मांझन लगे तुझे और कुछ ला भी नहीं। तुम के चारे हो इस पर गोबर गेर तू फिर। तू चुपचाप नाश्ता करे और कॉलेज जा लेट हो रहा है। हाँ इसे करा नाश्ता यू करेगा घर का नाश। मैंने ना खाने परांठे मुझे कॉलेज जाना 500 रुपए दो चला मैं। हाँ छत पे सुखा रखे मैंने ऊपर जाऊँगा 500 रुपए ठाऊँगा और ला के तुझे दे दूंगा। अरे जब अपने आप कमान लगेगा उस दिन अकल आओगी तुझे पैसे क्या हो। मैं कौन सा मजे लेने के लिए मांग रहा हूँ 300 तो बुलेट खा जा 200 में के कर लूंगा। माँ तू ही बता। बेटे 200 रुपए में तो मैं तेरी नानी के होके आ जाया कर दी पर ठीक है तू ले ले 500 रुपए आप इसे 500 रुपए दे दो। एक बात सुन ले तेरा ही बिगाड़ा हुआ है यो समझ गई एक दिन इसके लक्षणों पे रोएगी तू। कोई बात नहीं वो मैं देख लूंगी जब कल पढ़ लिख की बड़ा आदमी बनेगा तो आपका ही तो नाम होगा। हाँ तू भी बैठ लिए उस समय लाल लीली बत्ती में। अरे हम नहीं जाते कहीं भी अब पता ना इस आदमी का आज तक तो मेरे समझ में भी ना आई अगल बना रखी। ओए चक्कू आजा। अरे कहाँ रह गया यार जब कहेगा छोड़ गया। अरे आ रहे हूँ यार। अरे यार मोनू तू कहे तो तेरा ब्याह करवा दूं के हमारी रिश्तेदारी में एक छोरी है बहुत ही सुंदर है पर एक दिक्कत है उसका एक पाँव नहीं है। साले तड़की तड़क आ गया दिमाग खान ने अपना करवा ले। साले गुंडे चला गए यहाँ से। भलाई का जमाना ही नहीं। अरे आ जा यार कॉलेज क्या लेट हो रहा है पता नहीं क्या कर रहा है जल्दी मरिया। ये हो गया। अरे तड़की तड़क फाड़ रहा दिमाग को कि ब्याह करवा दूं साले के खुद के ब्याह ना हो रहे हमारे ब्याह करवाने चले हैं। अरे वो तुझे पायल पूछ रही थी उससे ना मिलने का। अरे तू उसका नाम मत लेकर उसका नाम सुनते मेरा कर्ण समा है। हाँ भाई मैं। अरे तेरे तेरे कह रहा हूँ भुंडी शक्ल के। हाँ जी एक बात बता। क्या मंगल ग्रह पे सोमवार को जा सकेंगे ना। मेरी समझ में नहीं आया जी। ओ बर्बाद गंदे गुलशन के फूल तेरी अगर सब समझ में आ जाता तो तुम्हारी तरह मुर्गा ना बनता। अरे भाई जो सारा खेल तेरी समझ में आ जाता तो तू हमारी जगह ना बैठ सके। चल खड़ा और मुर्गा बन ले चल दो राउंड मार क्या। और हाँ भाई जी तू बता अब कढ़ाई से शकल के क्या बताना जी। ये बता जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो इतवार इतवार कितने दिन। सर जी कुल मिला के ये हो गया 8 दिन। नेवर नो एंड नो नो। वो कैसे। वो ऐसे के इतवार इतवार मतलब छुट्टी छुट्टी मतलब जीरो जीरो मतलब जीरो और जीरो या ना जीरो। चल तू भी मुर्गा बन राउंड मार के आ दो चल खड़ा। सर जी रैगिंग करना बहुत गलत बात है मैं प्रिंसिपल से आपकी शिकायत कर दूंगा। गलत बात गलत तो तेरा ढांचा भी और के तेरी दादी से शिकायत कर दे। ए भाई तेरे मास्टर सारे आके तो मेरे आगे भिगी बिली बन जा धो दूंगा धो। अरे बताते क्यों ना उठ रही अजी जी जी गु 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 गु। मेरा मतलब सर सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है तेरा भाड़ में तू समझता हम तेरे सामने पेंट में मुते हैं। सर ऐसा तो मैंने कभी कुछ नहीं कही। फिर भी बेटे इस फील्ड के 4 चक्कर लगा वो भी मुर्गा बन के। सर आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं सुताई भी बहुत अच्छी करता हूँ अगर तू 1 मिनट में स्टार्ट नहीं हुआ ना तो तुझे बाहर ठाका फेंक दूंगा। और हाँ तेरा जो इस कॉलेज में 6 साल का रिकॉर्ड है ना रहने का वो भी आज टूट जाएगा। लड़की होके गुंडागर्दी करती है चल निकल। जी सर। अरे आज तो मरवा दे रहा है रेस्ट टकले ने दिमाग खराब कर दिया कहाँ से आ गए मेरे पीछे इतनी जल्दी। हंस लो बेटा हंस लो मेरी भी ताल लगेगी कभी। मुर्गा बनने का बदला इस गंजे से जरूर लूंगा मैं। अरे माँ सुबह सुबह नू कहने लगी कि खाद कट्टा ले आइए। अरे मैं कहने लगा कि ये गिना है बुलेट है घर वाले भी नहीं यार। राम राम भाई। राम राम क्या हाल है। सब बढ़िया भाई एक प्रॉब्लम। बता क्या बात है। भाई मेरा नाम लक्की चौधरी इसका नाम लक्की चौधरी मेरे बाप का नाम पवन चौधरी इसके बाप का नाम पवन चौधरी भाई हम दोनों की कॉपी एक्सचेंज होगी। अब बड़ी प्रॉब्लम हूँ मैं फेल होगा या पास होगा। भाई हम कैसे मान लें क्योंकि मैं हर बार फेल होता था अब की बार मैंने टॉप किया। तो यहाँ क्यों आया भाई।
भाई साहब प्रोफेसर के पास गया था मैं, प्रोफेसर ने हमें डांट के भगा दिया, बोला तुम दोनों के काम के अलावा मेरे पास और कोई काम ना है क्या। भाई साहब भगा दिया उन्होंने, इसलिए आपके पास आया था मैं। अच्छा चल हम देखते हैं हमारे रहते हुए ऐसा कैसा हो जाएगा। भगा दिया उन्होंने। अरे तू टेंशन मत ले, जो हम कह रहे हैं मैडम हमेशा खाली फिरती रह करो, कुछ पढ़ा भी ले करो। अरे तू ज्यादा प्रिंसिपल ना बनेगा, अपना काम तो होता नहीं, मुझे समझाने चला। मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, पर तुम भी कर रहे हो थोड़ा बहुत ठीक से। हम भी अपना काम ठीक से कर रहे हैं। जय राम जी की सर। अरे वाह, आज चीटी के घर नारायण कैसे? बस तुम्हारी गैर जिम्मेदारी स्टाफ की वजह से। अरे मोनू तुम कब से जिम्मेदारी की बात करने लगे? आप मुद्दे से हट रहे हैं सर। मुद्दे से हट रहे हैं? चलो बताओ क्या मुद्दा है। इन दोनों के सैम नाम की वजह से और स्टाफ की गड़बड़ की वजह से इन दोनों की काफी चेंज हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि इनकी कापी लिखवाई जाए और दोबारा से चेक की जाए। चलो मैं कुछ करवाता हूँ। वैसे मोनू बहुत अच्छा लगता है तुम छात्रों का ध्यान बहुत रखते हो। गुरुजी मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा ये कॉलेज बहुत अच्छे सिस्टम से चले और छात्रों का ध्यान रखा जाए। सर जी हमारे गांव में एक कहावत है कि जो दूसरों का ख्याल रखते हैं ना ऊपर वाला उनका ख्याल जरूर रखता है। ठीक है जी, जय राम। नमस्कार जी। नमस्ते। चलो हो गया तुम्हारा काम। हाँ भाई हो गया तुम्हारा काम। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अगर आप मेरा ये काम ना करवाते ना तो मेरा एक साल बर्बाद हो जाता। बहुत धन्यवाद। अरे कोई नहीं, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, नमस्ते भैया। ओ जग्गू यार, तैने जो भीतर कहावत सुनाई या तुझे किसने सुनाई? अबे कोई कहावत ना ऐसी, रात साउथ की पिक्चर देख रहा था, उसमें डायलॉग सुना था, चिपका दिया। रे साले तू है हरामी। अबे तुझसे कम हूँ। अबे आफताब जी, मैंने सुना है आपकी बार बाजार से ब्याज नहीं आया, जरा देख तो, अगर मैं देखने उतरा तो बहुत खून बह जाएगा। भाईजान बेफिक्र रहो, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। उठा लाया साले को। भाईजान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं सारा पैसा आपका सूद समेत वापिस कर दूं। मुआफी तो हम कौन होते हैं देने वाले, ये तो खुदा ही देगा। भाईजान मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। क्या करूं यार तेरा। अबे जमालू के खौफ से तो परिंदे भी हक देते हैं, तू तो फिर भी इंसान है। चलो बे इस गंदे आदमी को किसी गंदे नाले में फेंकाओ। जी भाई अभी फेंक कर आते हैं। अबे इन हाथों को कौन धुलवाएगा, मरहूम अब्बा जान आएंगे क्या? चल बे पानी लेके आ। भाई जान क्या है ये, अपने आप ही मार देते हो, अरसा हो लिया आदमी मारे, कभी हमें भी मौका दो। अबे छोटे ये कोई उर्स का मेला है जो बहुत दिनों में आएगा, कल कोई फिर आएगा। अच्छा मार देना, दुनिया में खाज इतनी है। ले तू रख इसे, कल तेरा नंबर है। हाँ भाई बिच्छू के लग रहा तुझे? सर जी अभी तो भूख ही लग रही। कम बोल ले कम, खुआ दूंगा पकवान से। अरे मैं कुछ बूझ रहा हूँ, बता कुछ रहा है, मेरे ट्रांसफर के बारे में बता के लग रहा तुझे। हो जा तो ठीक ही है। के जी इसमें हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, ट्रांसफर तो नेताओं के मूड और आदमी के कर्म पे होता है जी। सही कहा तुमने, इस बार मैं बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करूँगा। सर जी मैं कुछ समझा नहीं। देख नेताजी ने कई वार्निंग दे ली, इस बार मैं जमालू को छोड़ूंगा नहीं। सर जी आप पूरा दिन लगा के कुमार सानू के गाने खुद बने रहते हो, संजय दत्त छोड़ोगे आप होनी, आप कर क्या रहे हो? अरे मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ यार। जी ओ तेरी। सर जी आप करो इंतजार, जमालू ने एक बंदा और ठोक दिया। रोज आदमी मर रहे हैं, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, सब कुछ यहाँ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा बाबा की सरकार थी, सीधा ठोकने का तो आदेश था, अब तो देखते रहो ये खून खराबे का खेल। मेरे से तो ये सब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। सर जी आपसे बर्दाश्त कुछ होता नहीं, करते कुछ हो नहीं। ज्यादा मत बोल रहे, चोंच बंद रखकर चाय ले आ जा। ठीक है सर जी। लाओ दिखाओ कौन सी फाइल है।
कहीं खोल के बैठ जावा यार, कुछ तो शर्म कर लेगा। अरे हम देसी आदमी है देसी, हम तो खेत में खा ले मैं बैठ के, और तुझे ना खानी मत खा, मैं तो खाऊंगा। चल ना। अरे कोली हाँ, अरे खा ले। पीछे क्या दिख रही पायल, चल ना। चल भाई अचार तो ले आता कम से कम। अरे जल्दी जल्दी में भूल गया अचार लाना, ना तुम माँ हर बिरध रहे अचार। अरे यार मोनू मेरा एक काम कर दे। बता। वो जो भुंडे से मुँह का प्रिंसिपल है ना, उसने मुझे बहुत दुखी कर रखा है, उसे किडनैप करवाऊंगा। किडनैप कहीं तेरा कोई जुगाड़ हो ना, मुझे किडनैपिंग स्कूल में दाखिला दिला दे। अरे तू पिछवाड़ा मत कटवा लिए, निकल ले यहाँ से। एक तो तू चिमटे से मुंह का है ना, बहुत बोल रहा है, हमारे बीच में ना बोल ले कर। एक बात बता दूं तुझे मैं, मुझे खली नुई ना कहते, 10-10 हाथियों का बल है इन भुजाओं में, इनमें जो मैं जोर लगा के चिल्ला दूं ना चिल्ला दूं। जा पैंट गीली हो जाए, जा फूट दूंगा तुझे, निकल ले यहाँ से। कमाल है यार, कोई इज्जत ही ना कर रहा, भूल गया दिखे। इस कॉलेज की नींव मेरे बाप ने धरवाई। तेरा बाप मिस्त्री था यहाँ? मिस्त्री ना था, जब मेरा बाप पैदा हुआ ना, जब मेरे दादा ने डोनेशन दिया इसे। साले को मारिए इसको, चल निकल यहाँ से। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। वो ना मुझे कॉलेज जाना है, आगे तालीम हासिल करनी है। या अल्लाह, मैंने कितनी बार कहा था इस घर को बदल दो, इसमें ऊपरी हवाएं हैं जो दिमाग खराब कर देती हैं। अब हो गया ना इस लड़की का दिमाग खराब, पर मेरी सुनता ही कोई कहाँ है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो अभी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। रूबीना, तुझे तेरे भाइयों का पता है ना, कैसे हैं वो? अच्छा आप क्या चाहते हो, मैं ना बढ़ू, जाहिल रह जाऊं, आपकी तरह घर में घुट घुट के जीऊं? अब ठीक है भाभी, अगर किस्मत में यही है तो यही सही। रूबीना कैसी बातें कर रही हो तुम बच्ची हो मेरी। अच्छा ये ड्रामे छोड़, चल चाय बन गई होगी, चल चाय लेकर चलते हैं, बात करते हैं। ओके भाभी। वो कब्रिस्तान के लिए अर्जी दाखिल की थी ना, उसकी मंजूरी मिल गई है। उसी मामलात में निजामुद्दीन भाई ने अपने घर पे कुरान खानी रखी है जी। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे हुई हूँ, और उगाई के लिए तू चला जाइए। ठीक है भाईजान। चाय। अरे वाह, मसाले वाली चाय, क्या बात है भाई। भाभी जान, आपके हाथों की चाय का भी कोई जवाब नहीं, मानो दुनिया फतेह कर ली। और आपका मस्का दुनिया फतेह कर ले, आफ्ताब भाई जान का मस्का लगाने में कोई जवाब नहीं है जी। वो मुझको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है जी। और वो कहाँ गया, बोलिए क्या कहना चाह रही हो जी। वो रूबीना आगे पढ़ना चाहती है। बहुत ओली पढ़ाई, क्या करेगी पढ़ाई करके आगे? अरे तालीम देनी है तो घर के काम की दे। पता है आज का माहौल क्या है, क्या होता है आजकल कॉलेजों में, एक दो साल में इसका निकाह हो जाएगा, कुछ टाइम हमारे साथ ही बिताए। लेकिन इसका मन है तो पढ़ने दीजिए ना, आजकल पढ़ाई लिखाई भी तो बहुत जरूरी है। आप ये चाहते हैं क्या, ये अपने बच्चों को आगे की तालीम ना दे सके, ये अपने बच्चों को ना पढ़ा सके? अगर पढ़ाना है तो कुरान पढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, नमाज पढ़ाइए, और भी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। आफताब भाईजान, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नमाज और कुरान अल्लाह की इबादत के लिए होता है, और स्कूली किताबी ज्ञान समाज का सामना करने के लिए बहुत जरूरी है, आप क्यों नहीं समझते? भाभी जान, आप इसके मन में जहर मत भरिए। जहर नहीं भर रही हूँ मैं, ये मेरी बच्ची जैसी है, इस पर अगर मेरा थोड़ा भी हक है तो मैं जरूर बोलूंगी। तुम लोग चुप भी करोगे? अगर तुम लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे के सिंग मार मार के जान ले लोगे। इसे पढ़ना है तो पढ़ने दो। लेकिन भाईजान, आफताब तू समझता क्यों नहीं है, तालीम इसके लिए जरूरी है, घर में बैठी रहती है, बोर होती रहती है, पढ़ेगी तो इसका भी दिल बहल जाएगा। सुन रूबीना जी, तेरे साथ मेरे दो चार लड़के साथ में जाएंगे, कोई परेशानी हो उन्हें नजर रखनी जरूरी है। नहीं नहीं भाईजान, वो कॉलेज का ना इससे माहौल खराब हो जाएगा, वो मेरी फ्रेंड नहीं है आरती, मैं ना उसके साथ चली जाया करूंगी और उसके साथ ही आ जाया करूंगी। चल मगर ध्यान रखना। ठीक है भाईजान। सुनो रे, ध्यान रखना, वो बच्ची नादान है,
मासूम है, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। अरे चश्मे को उतार के नजर बना के रखना, हीरो बना घूमता है। चलो रे साबिर को देख कर लाओ। ठीक है जी। ठीक है भाई जान, जैसी आपकी मर्जी। एक को मौका दिया था ना, हसरा आपने देख ही लिया था। कल को अगर कुछ हो जाए ना तो मुझे कुछ मत कहना। अरे रुको मोनू जी रुको। हीरोइन जा रहे हो मोनू जी? और यहाँ चौकीदारी करनी है? आप भी कुछ नहीं समझते। ओहो, हम समझते तो क्लास के अंदर ना होते। मोनू भैया राम राम। राम राम। अरे मैं वो नहीं बोल रही हूँ, ये कि प्यार व्यार इश्क विश्क। अरे यू प्यार व्यार इश्क कुछ ना होता, अब और चक्कर मत पड़, पड़ पुड़ ले। कोई इतना ना समझ हो सकता है भला? ओहो अब तू हमें समझागी। अरे तू अपना काम कर। पाँच मिनट और रुक जा, मजा तो आ रहा। अरे रहन दे, वैसी दिमाग काम ना कर रहा। ओहो एक तो तू और एक या दिमाग ही खराब करे भाई। हीरोइन जी कब समझेगा पता नहीं ये भी। अरे माँ भूख सी लग रही है, एक ग्लास दूध लाइए। एक काम कर लिए, रबड़ी घोला इसके लिया, लाट साहब आ लिया। क्यों आते इसके पीछे पड़ रहे हो, आराम भी कर लेने दो इसे। आ, आराम को तो यू कारगिल का युद्ध लड़के आन लग रहा है यहाँ सी। अरे इसे खाद का कट्टा लान को कहा था, वो तो इस पे लाया ना गया। बुलट है बुक्की ना है, क्या बार बताऊंगा यह बात। आ, वो कलवा ले रहा प्लेटिनम, तू ले रहा यू हाथी। वो उस पे न्यार की दो दो तो गठरी लेके आवे और अपनी बहू को भी बिठा लावे। के बात है, आजकल कलुए की बहू पे आपको बड़ा प्यार आ रहा। हाँ इस घर में तो बोलने का ढब भी ना रहा, कुछ और बात बतान लग। हे भगवान रंडवा रहना ही ठीक है तेरे जैसी लुगाई आन से तो। हाँ थारे तो कलुए की लुगाई जैसी लुगाई आ जाती तो ठीक थी। मोनू चल बैठ, मैं लेके आऊँ दूध। हाँ हल्दी भी डाल के ले आइए इसमें, यू तो काम पे था। हार्ड गोड़ दुख रहे होंगे इसके। मैं ना पी रहा तुम्हारे थोंदे, दिमाग खराब कर दिया, इससे अच्छा था कॉलेज में। मोनू, अरे मोनू सुन तो सही, कहाँ जा रहा है तू? आपके कलेजे में पड़ गई ठंडे, वो भूखा तिसाया चला गया, कुछ कर लेगा तो कल ले। अरे भगवान तेने कुछ कर लिया क्या आज? लो है तो तेरी औलाद। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आई आज तक, जब एक उसको मच्छर काट लेता था तो आप पूरे गांव में मच्छरदानी के लिए दौड़ते थे, और वो चीज भूल गए आप? जब छोटा था उसकी उंगली में कंच लग गया था तो आप दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास पैदल इतनी दूर उसको लेके गए थे। अरे चौधरन देहला ना करे, माँ का लाड सबको दिखे, बाप अगर अपना कलेजा भी पाड़ देना उसका लाड ना दिखता, बस उसका गुस्सा ही चमके। अरे ठीक सा बनाया लास्ट पैक का ले ले। अरे इस बोतल ले फेंक यहाँ दर्दी, खाली बोतल। अरे यार बाप ने नाक में दम कर रखा, घर में बढ़ते ही टैं टैं टैं, घर में घुसते ही पतंगे से लग जा मेरे। तू भाई एक काम कर, अपने बापू को बदल दे, उसका मन वैसा भी रंगीला हो रहा, कभी दाढ़ी सफेद करे कभी काली करे, सारे इंद्रधनुष बना रखे हैं इसके बाप ने। अरे बापू है कोई कपड़े ना जो बदल दू। यार तू एक काम कर मोनू भाई, तो घर ही ना जाया कर बस। अरे और तेरे घर जाऊं? तेरे घर तेरी इज्जत ना मेरी कैसे हो जाएगी? तू अपना आप रोटी खा ले लेके। वो पायल यार बहुत लट्टू रहा है तेरे पे, तू बात क्यों ना करता उससे? तू पागल है? अरे किसी को भी देख कर मैं लट्टू हो जाऊं? मैं मोनू मोनू दिल में घंटी बजनी चाहिए, एहसास होना चाहिए, वही तो प्यार हो। देखा ना चला वैसी कर लो किसी से भी। अरे भाई तेरा दिल भी बुढ़ापे में मरनेगा हमें पता। मोनू तू इलेक्शन लड़ ले। मुझे घनी चढ़ जा, मुझे नू लग रहा। पक्का कह रहा जीतेगा तू? अरे भाई एक बार बताऊं, अगर मोनू भाई पर्चा भर ले तो नर निरोध जीत जाएगा। अरे वो नर निरोध ना होता। और अरे के हो जग्गू? वो बैन निर्विरोध है। चलो यार मुझे दो दो दिए, दो दो खत्म करो। चलो
चकना तो ठहर लो चल। अरे आराम से भाई आराम से, दिख रहा हमें बिल्कुल नहीं। अरे मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। रोग कहते हैं मैं शराबी, जगो लोग कहते हैं। जग्गू खड़ा हो जा यार, गोली चल रहा है यार। सोन दे क्यों जगा रही? अरे तेरी सेटिंग ना हूं मैं, गोली चल रहा है यार, चल। अरे तू भी चल, घर चल। मैं नजारा गोली का लिस्ट में चले जाओ, तभी बन जाओ कलेक्टर। रूबीना भाभी जी, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत क्यूट एकदम हूर के जैसी, नजर ना लग जाए किसी की ले ये बुर्का पहन ले। बॉबी ये पहनना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है। भाभी मुझे आपके ख्याल औरों से अलग लगते थे, पर आप भी औरों के जैसे ही निकले। रूबीना तुझे तेरे भाइयों का पता है ना, वो कैसे हैं? वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि तू बिना बुर्के के बाहर निकले। और देख ये सब ना, मैंने अपनी जिम्मेदारी पर उनसे बात की है, कोई ऊंच नीच हो गई तो सब मुझे अपनी जान पर झेलना पड़ेगा। प्लीज पहन लेना। उल्लू का पट्टा रात भर से गायब है, पता नहीं कहाँ गया, कहीं पीयू पड़ा होगा। अजान देख कोटे झांक दूंगा। बुड्ढा अकेला ही मिल रहा। अरे आलिए साहब जादे, हमें भी पता चलेगा कहाँ थे रात भर। घेर में आ और कहाँ? हाँ तुम तो एक बार घेर में झांकने जाते ना हो, घर ही पड़े रहो। अरे जादे बात ना बनावे, हमें भी पता था कहाँ रहा रात भर। जब इतनी पता तो क्यों पूछ रहे हो? अरे कल का भी सोचा है के करना है, या दिन में खाओ रात को यो मूत पियो फिर लुट के पड़े रहो, कुछ करना भी है तुम्हें पता ना, रोज नए नए समाचार कहाँ से मिल जाए, पता ना कौन खबरी लगा रखा। इतना काम करते ना अब तक हम गाड़ी ले लेते गाड़ी। अरे मोनू उठ के आ लिया तू? चल मंजन कर ले, मैं तेरे लिए अच्छी चाय बनाती हूँ। मैंने ना पीनी चाय भाई, सुबह सुबह पिला दे मुझे तो कॉफी। अरे केले है तू, इनकी तो आदत है टेंटे करने की। हाँ इसके दिमाग में भर दे, इसका बाप पागल है। ना ना ये तो पहले से पता। किसी दिन तुम दोनों माँ बेटा की गर्दन काट दूँ इस बावले से और जेल में चला जाऊँगा, समझ गए? यहाँ से तो कम ही सजा होगी वहाँ। अबे इतनी बड़ी गुस्ताखी के तुझे मालू के पैसे खाएगा? बड़े बड़े साहूकार जमालू के आगे थर थर कांपे, ऐसी हिमाकत तो कोई भी ना करता। अबे तू तो फिर भी दो गज की दुकान वाला है। राम राम जी। नमस्ते जी। वो रूबीना? रूबीना अंदर रहेगी, चली जा। अबे क्या कपड़े गंदे कर रहा, परे को मारता क्यों ना इसे? राम ज्यादा जुबान चला रहा, मुझे पैसा चाहिए पैसा। बहुत जल्दी लौटा दूंगा जी। जल्दी लौटा देगा, मुझे पैसा चाहिए अभी। भाई जान हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है जा, जरा ध्यान से जाइए, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना, पैसे दे देने साले फाड़ दूंगा। अबे गुर्दे छील देंगे तेरे गुर्दे, हाँ तोजली सारी बाजार में कसाई के यहाँ बिकवा देंगे, दे दे पैसे। अरे माँ जल्दी आ जा, नाश्ता दे दे जल्दी, फिर कोई जहाँ। अरे ओ काम चोर, एक काम करिए, आते हुए बैंक में को उताइए, देखिए गन्ने का पेमेंट आया नहीं आया। बैंक मुझे पैसे लगवाने तक कभी भेज देना, चला जाऊंगा कभी नू कहेंगे के काम ना करता फिर। अरे भाई बड़ी सोनी बात कर रहा तू तो है, यकीन ना हो रहा हमें तो। तमें तो यकीन होने का भी ना, तम देख रहे हो छोरा कितनी मेहनत कर रहा है। हाँ यू तो पहाड़ तोड़ रहा, रोज एक नई सड़क बना दे पहाड़ तोड़ के, मान जी ना आयो। ले कॉलेज में जाके खा लिए, कदे जाके भूल जा। ताऊ राम राम। राम राम। तेरा नाश्ता ना निपटा अभी, फिर लेट हो जाएंगे। अच्छा
पहले कभी पहुंचा तू टाइम से जो आज पहुंच जाएगा? ऐसी बात ना है, गुप्त बात बताऊंगा। अरे हमें भी बता दे क्या गुप्त रोग, मेरा मतलब क्या गुप्त बात कर रहा? अरे तो ऐसी कोई बात ना है, मैं तो इसका ऐसी उल्लू बना रहा था। अरे हमें भी बहका लिया कर कभी। पैसे ले ले। पापा आज तो वाकई में बहुत समझदार हो गए तुम। अरे समझदार ना हूँ क्या? वाह तेरी माँ वाह हिडम्बा, मेरी छत्ती पे पांव धर के ना दिवावेगी फिर। वाह गुड बॉय। चल यार जल्दी। अरे कब तो धर दे रे आवारा। जल्दी बैठ जल्दी। बैठ लिया मेरे भाई। ये आजकल के जाकत भी। वैसे तू अपने भाई को ले आती ना तो तेरा एडमिशन तो फटाफट हो जाता। अरे नहीं यार ये सब मैं खुद ही कर लूंगी, मैं नहीं चाहती कॉलेज में फालतू के खून खराबे हो। तो इतना डरते क्यों है अपने भाइयों से? यार मैं डरती नहीं हूँ उनसे, उनके अंदर बैठा हुआ जो जल्लाद है ना मैं उससे डरती हूँ। मेरी बहन रेशमा, क्या गलती थी उसकी? बस उसने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया, गाँव के बीच में उनका सर कलम कर दिया मेरे भाइयों ने। हाँ। चल छोड़ ना, तू क्यों चिंता करती है? अरे नहीं वैसे तेरे ऊपर बुरखा बहुत शूट करता है। हाँ दो दिन पहन के देख फिर पता चलेगा तेरे को। अरे यार मैं इसको निकाल रही हूँ, मेरा ना बड़ा दुखी हो रखी हूँ मैं इससे। अरे क्यों निकाल रही है, कोई देख लेगा? अरे यार कोई नहीं देखेगा, कॉलेज में आराम से चलेंगे। अरे यार ये खुल भी नहीं रहा। अब बता, बताना क्या है, जल्दी चल। जाने मन नागे तभी जा पाओगी जब दो चार ठुमके लगा के दिखा दोगी। है भाई मोनू। हाँ तेरी हीरोइन ना दिखाई दे रही, कहाँ है आज? अरे यार तू उसका नाम मत लेकर, पेट में न्यू होल लगे। भाई तू इतना सीधा है या बन के दिखावे? अरे यार वो मुझे पागल सी लगे, साइको सी। मुझे डांस नहीं आता। जो आता हो करके दिखा दो। यू के हो रहा है इसने देखूं। अरे के चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं टाइम पास। अच्छा लड़कीन को छेड़ कर टाइम पास कर रहा है? हम तो इन्हें वैसे डरा रहे थे। डरा रहा है? छेड़ साले, छेड़ कर टाइम पास, कर लड़की से टाइम पास, कर, मैं करूंगा तेरा टाइम पास। या अल्लाह कितने घटिया लोग हैं, जहाँ देखो शरीफ लोगों की मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अरे तू घड़ी घड़ी ये दुनिया मत सुधार, तुझे पता है ये कॉलेज है, कॉलेज में ये सब होना आम बात है। हमें प्रिंसिपल के ऑफिस चलना है, चला देर हो रही है। छोड़ दे चल, छोड़ दे। ले, आज के बाद दिखाई मत दे दिए। जान दे मारे। बावलिया बताओ। हाँ तो भाई कौन कौन से हंस रहे थे उस दिन भुंडी शकल के? अरे बोक्का से मुके तू हंस रहा था? नहीं जी। तू हंस रही थी? मैं तो नहीं हंस रही थी। हाँ अगर तू हंस देती है सोनी शकल चल जाती कोई बात। तो भैया छोड़ दो इन बातों को। एक बात और है कि अगर तुम चाहो तो सुबह शाम मेरे यहाँ पहलवानी सीखने आ सकते हो। इसका मैं कोई पैसा थार से लूंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा। बॉस पहलवानी आवे तुम पे? आवे? पहलवानी तो नस नस में भरी है हमारी, मेरे बाप दादा पहलवानी थे। तुम्हारे पापा तो हमारी गली में नाई थे। हैं? नाई थे? हाँ। अरे नहीं काटना तो उनका शौक था, असल में वे पहलवानी थे। पड़ोस वाली आंटी के साथ मैंने 1000 बार देखा, रात को प्रैक्टिस करते हुए हमेशा ऊपर रहता था। और मेरी माँ के साथ भी प्रैक्टिस करता था ना, हमेशा ऊपर ही रहता था, कभी नीचे नहीं देखा मैंने। पहलवान थे मेरे पूजनीय पिताजी पहलवान। हाँ तो उस्ताद जी तुम भी ऊपर रही हो? अरे मैं तो ऊपर ही रहता हूँ हमेशा। अरे खली जी ये मेरी फ्रेंड है रूबीना। हाँ जी। और इसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अच्छा। हमें यहाँ पे पता चला कि आप तुरंत एडमिशन करवा देते हैं। जी वो हमारी मदद करवा देते तो बहुत मेहरबानी होती आप। वैसे तो लाली मैं किसी की मदद करता ना हूँ, पर चलो तुम आए हो तो मैं कर दूंगा मदद। एक काम करो 500 रुपए दो। हाँ। और एक काम करो, गंजा सा प्रिंसिपल बैठा होगा, मेरा नाम लेना क्योंकि हमें खली ने भेजा, तुरंत काम करेगा तुरंत। थैंक यू। चल देखा न्यू 500 रुपए बना दिए, ऐसे काट देता हूँ मैं। क्लास में प्रेजेंट पर डे लग रही है। जी सर। बच्चे प्रॉपर आ रहे हैं? जी लगभग पूरे आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहिए कैसा आना हुआ? सर वो एडमिशन करवाना था मुझे। वेरी गुड, लाइए डॉक्यूमेंट्स दिखाइए।
ये एडमिशन नहीं हो सकता। पर क्यों सर? इनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। अगर आप सही भी कराएंगे तब भी कल लास्ट डेट है, अगले वर्ष आना, आप जा सकते हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं सर? आपको पता है हमें किसने भेजा है? किसने? खली सर ने। खली सर, आप जाइए यहाँ से वरना आपके खली को और आपको बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन सर। अरे निकलिए यहाँ से या किसी को बुलाऊं। चल चल। सालो थार पे मेरी सेवा तो होती नहीं पूरे दिन। गुरु की सेवा करो, कोई चेली वेली पटवाओ या कुछ खवाओ। चेली वेली छोड़ो, तुम खाने पीने को मंगवाओ, चेली तो मैं ही हूँ। चल मैं तो तेरे से काम चला लूंगा। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अब सभा समाप्त कर देते हैं, कल फिर मिलेंगे। कुत्ते कमीने बस की तो तेरे कुछ है नहीं, और जिम्मेदारी वाली बातें करता है। आज क्या कह रही पपैया सी? ऐसा है, गुस्सा नहीं करते, ऐसा मेरी कभी कभी ऐसी बात हो जाए, मेरी और प्रिंसिपल की कुछ तड़पड़ चली। 500 रुपए ले जा, कोई बात नहीं, ये लो। आया बड़ा। अरे ऐसी थी। दरअसल क्या हुआ, मेरी सेटिंग थी, इसने रात को मुझे चुम्मा लेने बुलाया था, मैं नहीं गया, इसलिए गुस्सा कर गई। और 500 रुपए की तो ऐसी बात थी, उन्हें कह रही थी कुछ ले आइए, मैंने कहा तू ही ले जा, ये अपनी पर्सनल सेटिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे माना बड़ी स्वाद पूरी बनाई है, तू भी खा ले। हाँ यो तो ठीक है, पर इसमें को लपेट के लावा यार अखबार में। अरे अखबार की खबर इसमें लग जा, और तुझे आजकल पता खबर चरपटी हो, आ खा के बड़ा स्वाद आवे। हो जाएगा एडमिशन तेरा, ठीक है। अरे वो देख, मिल गया एडमिशन का जुगाड़। मतलब वो लड़का देख रही है? हाँ। वो दिलाएगा तुझे एडमिशन, वो लफंडर, वो करवाएगा मेरा एडमिशन। रहने दे बहन, मैं खुद ही करवा लूंगी। तू चुप रह, तुझे कुछ पता तो होता नहीं है। तू चल मेरे साथ, जल्दी चल। कैसे हो मोनू जी? बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? ये मेरी फ्रेंड है रुबीना। पहले तो कभी ना देखा ऐसा कॉलेज में। ये नई है, आज ही पहली बार कॉलेज आई है, और प्रिंसिपल सर ने इसके एडमिशन के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके कागजों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप मदद कर देते तो। लाओ दिखाओ इसकी फाइल। फाइल दे। नाम ही नाम गलत है ना बस। अच्छा जग्गू, जाके मेरा नाम लेना प्रिंसिपल से, इसका एडमिशन कराओ। बैठो आओ। पूरी लाए, पूरी खा लो। नहीं हम तो खा के आए हैं सुबह। अरे खा के आए हो, माँ के हाथ की पूरी है, यूवी खा लो। पूरी ना खाओ तो कोल्ड ड्रिंक मंगा देता हूँ। अरे यहाँ सुन। हाँ जी। अरे कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए कैंटीन में जाके। अच्छा जी। और सुन, 3 गिलास भी लेकर आइए, कभी भूल जा गिलास। और बता आरती क्या हो रहा है? सब बढ़िया, आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते, कहिए। सर आप बच्चों को बिल्कुल समर्थन नहीं करते, अब गलती किसी और की और नुकसान उस लड़की को उठाना पड़ रहा है, अब कैसा होगा उसका एडमिशन? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कल वैसे भी लास्ट तारीख है, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे तो एडमिशन भी नहीं होगा। सर मोनू ने सारी जिम्मेदारी ली है इनकी, कल तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, बस आप इस पे सिग्नेचर तो कर दो। ठीक है, अगर मोनू ने जिम्मेदारी ली है तो मैं कर देता हूँ। लीजिए। थैंक यू सर। ओके। बड़ी मिठी है और ठंडी भी है, कॉलेजों में ऐसी मिले। और ठंडा। अरे के रहा। हो गया एडमिशन। अच्छा लो। शुक्रिया जी, लीजिए। ये सब क्या है जी? वो एडमिशन का कमीशन। ओहो, खली से मिलकर दिखो जी। ये काम मैं पैसों के लिए नहीं करता, वो इंसान अच्छा होता है, पढ़ने का इच्छुक होता है, तो मैं इसलिए करता हूँ कि वो पढ़े, मेहनत करे अपने घर परिवार के लिए। अरे मोनू जी, ये आपके बारे में अभी कुछ जानती नहीं है, वैसे लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा, माफ कीजिएगा जी, मैंने आपको गलत समझ लिया था। कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान की सोच का कुछ पता नहीं। और कोई परेशानी, कोई दिक्कत कॉलेज में हो तो मुझे बताना। जी बिल्कुल। अच्छा मोनू जी, अब हम चलते हैं। ठीक है। भाई लड़की तो बड़ी सही है। तुझे कोई बेकार लगे भी है? सारी अच्छी लगे हैं तुझे तो।
साला यू खली मिलेगा कहाँ से देखेंगे? रोक 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 जो जा रहा कटोरी सी की साथ। ओ खली कभी तू सुधरेगा ना सुधरे? अरे सुधरा तो हमारा बाप नहीं तो हम के सुधरेंगे? तेरे जैसी चमड़ी और गधे बिना लटके नहीं मानते। ओए चिमटे से मुंह के तू तो रहन दे। ओए बात सुन रहे, जब मैं मोनू से बात करूँ ना तो तू ज्यादा ना बोल लेकर ना किसी दिन चुटकी से मचल दूंगा चुटकी से। जा चले जा ना तो खामुखा हत्या हो जाएगी, खामुखा हमारे पर केस हो जाएगा। जा चले जा जा। कमाल है ये तो सीधी सीधी मर्डर की धमकी दे रहे हैं, कैसे करे? चुपचाप निकल लो यहाँ से, कभी यहाँ तुम्हें धोना पड़ जा। चल ठीक है जा, तो छोड़ रहा हूँ मोनू तुझे, फिर भुगतूंगा। निकल जा निकल जा, कर दूं तुझे ठीक अभी। आज की क्लास अच्छी रही है। वैसे आज ना मैं बहुत खुश हूँ, आपने रूबीना को कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी। वैसे आप ना बहुत अच्छे हैं, कभी कभी मेरी बात भी मान लेते हैं। कैसी बात कर रही है बेगम, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप हमारी हम जुल्फ हो, सरीके हयात हो, हम सफर हो, हम साया हो, आपकी बात ना मानना हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। वैसे भी हम तुम्हारी बहन की बात कब मानते हैं, तुम्हारी ही तो मानते हैं सरी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। नहीं भाईजान, भूख लगे, मुझे खाना खाना है। कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सब आराम से हो गया, कॉलेज बहुत अच्छा है और वहाँ के लोग। बेखौफ बता दियो कोई भी परेशानी हो तो। नहीं भाईजान, आप मेरे पे एतबार रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी जान मैं कपड़े बदल रही हूँ, आप मेरे लिए खाना लगा। चल चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मैं बेगम आप भी तैयार हो जाना, अपन को भी बाजार चलना है। अरे ऐसे कैसे नहीं मान रहा, उठा के साले को जंगल में ले जाओ और ले जाकर ठोक दो। आजकल जिसे देखो वो पुलिस को लल्लू पंजू समझ रहा है, कुछ मान ही नहीं रहे है। सर जी वो जमालों ने अपनी बहन को कॉलेज भेजना स्टार्ट कर दिया। हा 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 हा, ये हुई ना बात, अब जो है मेरा प्लान प्लान की स्पीड से दौड़ेगा। तू इससे दूर रह कर, या तेरी देखा देखी बन रही है, वो जो काम तुम्हें सौंप पे जाते हैं वो तो तुमसे होते नहीं, सीआईडी बन रही है। हाँ सुनो, अरे यार वो बटवा चोरी में एनकाउंटर की कोई जरूरत नहीं है, थाने ले जाकर थोड़ी ठुकाई ठुकी कर लो, है ना। और सुन, तू उसकी बहन के पीछे नजर रखेगा और मुझे पल पल की जानकारी देगा। ठीक है सर जी। ठीक है ना जी। हाँ इसका ब्याह आज भी करना पड़ेगा इब्जा, और तू एक बासू ले आ गया। अरे माँ 1000 रुपए दे दे, जग्गू की गैल शर्ट ले कानी है एक। हाँ 1000 देगी तुझे तो रुपया। अरे एक बात तो सुन, मारे तो कच्चे पटरे, मारे पे वे तो लाए ना जाते, तजे 1000 रुपए चाह है। तू इस कॉलेज में क्यों ना रहन लगता, तू इस घर में घुसे है, 7.5 ही मारे पे चढ़ जा। अरे माँ तेरा बाप तुझे प्यार करे कराया ना? क्यों ना, बहुत करया करता। करता तो ऐसा इंसान ना ढूंढता, ऐसी फिल्म ढूंढ ली। अरे कोई ढंग का ढूंढ लेता तो तुझे पता नहीं कब का घर से बाहर फेंक देता। यूं क्यों कर फेंक देता, इसका भी हक है घर में। हाँ थारा ही हक है इसमें, मेरे अलावा थारा ही हक है यहाँ सी। लाओ 2000 रुपए। छोरे के ऑर्डर पैरेंट के दिन है, तुम भी इसके पीछे पड़े रहो हो। ले थाम और जा, अलमारी में भी रखे 1000 रुपए ले ले है। बालक है ईब ना खेले खाओगे तो कद मारी धारी उम्र में खेलेंगे। ले क्या, अरे इस लड़ाई झगड़े में चाय भी ठंडी होली, समझ गए? रोटी तम ठंडी दो, सब्जी तम ठंडी दो, चाय तम ठंडी दो, बस थारे दोनों का दिमाग ही गर्म है, बाकी इस घर में सब कुछ ही ठंडा। माँ अब तो पैंट भी आ जाएगी। हाँ बेटा क्यों ना। ओ लाट साहब अगर कुछ पैसे बच जाना तो अपने बाप के लिए कफन भी लेता ही है। बेफिक्र रहो, वो तो पहले ला कर रख रखा, बीपी इतना हाई रहे कब जरूरत पड़ जा। सुन लिया, कफन भी ले आया, बाप के मरने का भी इंतजाम कर रखे अगले ने। अबे यहाँ क्यों लेकर आया, यहाँ तो बहुत महंगे कपड़े मिले हैं। चल ना, तुझे 50 रुपए में पूरा थान चाहिए। या दिखा दे, या दिखाइए। ले ले।
भाई मुझे भी दिलवा दे एक शर्ट। बे खबीज। अरे भाईजान, ये इनकी कोई गलती नहीं है, वो मेरे से गलती से लेके। आप थोड़ा होश में रहना सीख लो, गर्मी हमारे खून में भी बहुत है, और खून में उबाल आ गया ना तो अच्छे अच्छे इनकी पैंट गीली कर देता हूँ मैं। चलना यार। भाईजान छोड़ दो ना, चलिए देखो कितनी अच्छी है ये, भाभी आ जाओ। यार गलती उस लड़की की, और सॉरी भी वही बोल रही। अरे उसकी वजह से तो बच गए साले। यार ये लड़की वही है क्या, कॉलेज वाली? अरे वाई तो है। ओए होए, इसी वजह से छोड़ दिया साले को। चल मेरे यार। भाई कॉलेज ही आना ठीक है, नहीं तो घर तो बनने ही छोड़ने पड़ते। सही कह रहा, और वैसे भी मेरा बाप तो हिटलर है। कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, अब मिला है ये? और हाँ, उस लड़के का काम करा। कैसे हो मनोज जी? अब तक तो ठीक था, अब आप आ गई ना, अब पता नहीं क्या होगा। अब क्या तुझे दौरे पड़ेंगे यहाँ? मोनू जी, मैं यहाँ आपकी परेशानी बढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस आपसे अपनी दिल की बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पायल क्या है ये, रोज रोज का झंझट लगा रखा है आपने। प्यार प्यार प्यार, क्या है ये प्यार? मैं तुमसे नहीं करता प्यार, और तुम्हें ज्यादा दिक्कत है ना तो मैं कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा। अरे पायल जी, पायल जी, एक मिनट एक मिनट। देखो उसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना, उसे नहीं पता सही गलत का कुछ भी, और आप तो एक अच्छी लड़की है। अच्छी? अगर अच्छी होती तो मोनू मेरे प्यार को 3 साल से ठुकरा नहीं रहा होता। देखो जग्गू जी, मुझे सब पता है, मैं नहीं चाहती कि मोनू के जाने के बाद इस कॉलेज में कुछ गलत हो, इससे अच्छा है कि मैं ही चली जाती हूँ। तो इसके लिए आपको जाने की क्या जरूरत है? आप कॉलेज जाओ, बोलना मत उससे, बात मत करना। नहीं जग्गू जी, अगर मोनू मुझे दिखाई दिए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, इससे बेहतर है कि मैं ये कॉलेज छोड़ के चली जाऊं और कभी वापस ना आऊं। पायल जी, हाँ भी कोई दिक्कत? अजी मोनू भैया, आपके होते कोई दिक्कत हो सके हैं? वो तो बताना। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, कर दियो नाराज तने। अरे उससे के मतलब मेरा, होगी हो जान दे। और बता, तू ऐसा कर, वहाँ जाना प्रिंसिपल रूम में। मोनू जी, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। जी रूबीना जी, वो और कल के लिए सॉरी। अरे सॉरी किस बात के लिए, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। वो मेरे भाई ना, वो थोड़े गुस्से। हाँ हाँ, वो तो मैंने कल देखा, वो आपकी अब्बू की 2 शादी हुई थी है? क्या वो इसलिए क्योंकि आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो और बड़ी मधुर हो, और आपका भाई जलता हुआ था। अच्छा जी, अच्छा जी की बच्ची, अब चलना चाहिए क्लास के लिए, लेट हो। अरे रूबीना जी रुक जाते थोड़ा। बाय बाय। टाटा। हाय हाय हाय। ओ भाई। हाँ, अब पड़ गई ठंड तेरे? यार मैं इसे जब भी देखूँ ना, मेरे ठंड सी पड़ गया। अब यो ही सब करेगा तू? अरे किसी को तो छोड़ दे, सबको ही लपेटेगा। अरे के बात है, साफ साफ बताना। मैं तेरी वजह से पायल कॉलेज छोड़ गई। ओहो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, वह कॉलेज छोड़ गई ना तो हटे। मोनू जी बताना क्यों है, दिमाग खराब करी थी? बड़ा अजीब आदमी यार तू तो। ओए खली, यहाँ आइयो। देखे उस्ताद क्या कहे चिमटा। हाँ भाई बता, क्या बात है? वैसे तो मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरा एक पैर कॉलेज के कोने पर, दूसरा इस कोने पर, पर तेरी सुन लेंगे हम। बता क्या बात है? पहले तो तू अपने पैर ना समेट ले, नहीं तो फट जाएगी। हाँ क्या बात है? अरे मरवाओगे के? अबे मुझे सोपना है, तुझे मरवानी? अरे मेरा मतलब जिस काम को तू कह रहा उसमें मरने का ही तो काम है। चल निकल। ओ बॉस के कह रहे थे यूँ? अरे ससुरा नू कह रहा, मोनू को दबा ले, कुछ बात मनवानी है। अच्छा साला उल्लू का बट्ठा, ए पागल ही दिखा है चिमटे से मुंह का। हाँ इतने नालायक बच्चे हो आप, ऐसे कैसे कर सकते हो? मैडम जी एक बहुत जरूरी सूचना है। क्या? थोड़ा सा कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। रोहिणी खड़ी हो जाओ और सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। सर मैं बहुत गरीब हूँ, माँ जैसे तैसे करके घर चलाती है, माँ चाहती है कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं। पिछले महीने फीस के पैसे नहीं थे, मैंने अपनी सहेली को बताया, उसके भाई ने मुझसे कहा कि। देखा मैडम फीस के नाम पर क्या हो रहा है यहाँ। रोहिणी तुम बैठ जाओ, तुम सबने पता चल गया होगा इस कमीने ने क्या किया है, क्या हरकत की है। राम जादे मैं बताता हूँ तुझे, दोस्तों बताओ इसके साथ क्या किया जाए।
मैं तो कहती हूँ हाथ पैर तोड़ कर इसको गटर में फेंक दिया जाए, इसकी जगह वहीं पे है। वाह क्या उच्च विचार है, क्या नेक खलात है। अब तो इसे खुराक देनी ही पड़ेगी। वैसे भी रूबीना जी ने कहा है। भैया गलती हो गई। अरे बाहर चल, तुझे बाहर बताऊंगा मैं, तुझे सिखाऊंगा बहन बेटी की बेइज्जती करना, चल कमीने। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम जी। राम राम। राम राम। अबे लड़की कौन से ने छेड़ी थी, कान खोल कर सुन लो। औरत लक्ष्मी का रूप होती है, जिसने इसकी इज्जत ना करी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हम गुंडे लोग जरूर हैं, हमारा किसी की बहन बेटी से कोई मतलब नहीं होता। और उस भुंडी शकल से कह दियो आज के बाद मुझे ऐसा आदमी कॉलेज में नहीं चाहिए। उसके सिर पर कौवा बोल रहा, जान से मार दूंगा साले। हाँ, मुझे अपना लड़की मत समझियो, कोनी मारू कमर में और दर्द होवे पेट में। अच्छा मैडम, राम राम। देखा आप सबने, आप सब में से ऐसा कोई भी मत करना, क्योंकि सभी के घर में माँ बेटी होती हैं, इज्जत करनी चाहिए। जग्गू वो जो नहीं आया था, उसका काम कराना हो प्रिंसिपल ऑफिस जाना एक बार। टेंशन मत ले यार, करवा दूंगा। तुम काम तो हीरो जैसे करते हो और ये हरकतें टपोरियो जैसी। हर टाइम ये सिगरेट पीते रहना, क्लास से बाहर पड़े रहना, लगता है तेरे नाम बड़े क्लोज से देख ली है। अरे अब तो आपसे डर सा लगने लगा, जब भी मैं सिगरेट पीता हूँ आप चले आते हो, अब तो छोड़नी ही पड़ेगी। बैठिए ना, बैठिए, आप खड़ी क्यों हो। रूबीना जी अगर इतनी बात मैं कह देता ना, हाँ हाँ। तो अब तक दो चार टेक देता, और अब देखो आपने बोला तो कैसे मधुर वचन निकल रहे हैं भाई साहब के। बेटा कम बोला करते, खड़ा हो और कोल्ड ड्रिंक लेकर। भाई मैं ना जा रहा अकेला लेने। अरे आरती को ले जाना ना। मैं कहीं नहीं जा रही, चली जाना, तुझे तो बाद में देखूंगी। हाँ ठीक बात है, आप इनको बाद में देख लेना, अब मैं देख लेता हूँ। मतलब कुछ नहीं, वैसी। वैसे शुक्रिया लड़कियों की इतनी इज्जत करने के लिए, वरना जहाँ देखो लड़कियों को नोचने की निगाहों से ही देखा जाता है। शुक्रिया किस बात का, कोई किसी को नाजायज सताए उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ये मेरे पिताजी ने सिखाया है। और सबसे ज्यादा वो ही नाजायज मुझे सताते हैं। क्या बात है। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही। वो आरती जी, बहुत देर से आपसे कुछ बात करने की सोच रहा हूँ, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बात करूँ। तो एक काम करो, आप अपना नाम ही बता दो आरती जी। तुम पागल हो क्या। पक्का तो नहीं कह सकता मैं, पर शक मुझे भी है थोड़े दिनों से। तुम भी बहुत फनी हो। फनी तो हूँ पर बहुत अकेला भी हूँ मैं, कोई कहने वाला भी ना, मेरे बाबू ने थाना थाया। कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो होगी, मिल जाएगी, वैसे भी आप बहुत अच्छे हो। आपका कोई बॉयफ्रेंड है। हाँ है ना। यो भी बुक निकली। क्या कहा आपने। कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे आपने पूछा नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मैं क्यों पूछूं, मुझे क्या उसका आधार कार्ड बनवाना। वैसे चलो मैं ही बता देती हूँ, मेरे माँ बाप भाई बहन बॉयफ्रेंड सब कुछ मेरे पापा हैं। उनके अलावा मैं इस दुनिया में किसी के बारे में नहीं सोचती, और जितना प्यार मैं उनसे करती हूँ उससे कहीं ज्यादा वो मुझसे करते हैं। अगर उनके जैसा कोई मिला तो शायद मैं इस बारे में सोचूं। अरे वाह बड़े अच्छे विचार हैं आपके तो, पर मेरे सामने ना ऐसी बातें ना क्या करो, कहीं मुझे तुमसे प्यार हो गया ना तो ये जग्गू एक जोक की तरह चिपक गया ना तो छूटेगा नहीं। मैंने सुना है कि जोक के ऊपर पेट्रोल डालने से जोक छूट जाती है। अरे आ गए ये, जल्दी आ गए, आ जाओ। यो भाई कोल्ड ड्रिंक पियो। मोनू जी हा? मैं आपके लिए ये पीर बाबा के मजार से लेकर के आई हूँ, क्या पता इसको पहनने के बाद आपकी सारी बुरी आदतें छूट जाएं। और हाँ ये गिफ्ट है, घूस नहीं। ओ भैया तुम्हारा हो गया हो तो खोलने से। अरे रुक जा, वो मैं इसको हमेशा संगवा के रखूंगा। खोल लूं। चल। हेलो गंडा भाई। हेलो। जमारू भाई की बहन किसी लड़के के साथ चाय एंड कोल्ड ड्रिंक कुछ पी रही थी। सच कह रहा तू।
मैंने देखा अभी कॉलेज में। ठीक है, तू उन पर नजर रखिए। ठीक है भैया। ओके, बाद में बात करेंगे। सलाम भाईजान। सलाम जी। वो आज कॉलेज में रूबीना बाजी। साफ साफ बोल। जी वो आज कॉलेज में रूबीना बाजी किसी लड़के के साथ। पता चला कौन था वो? जी पता नहीं कौन था। किसी काम के नहीं नालायक। अरे मेरे बच्चे क्यों चिल्ला रहा है इतना? क्यों कपड़ों से फटा जा रहा है? इतना गर्म होना ठीक ना है, हमें भी बतागा क्या हुआ? भाईजान कोई काफिर हमारे मुंह पर कालिक पोतना चाहता है और हमारी बहन भी उसके साथ मिली हुई है। आज कॉलेज की कैंटीन में चाय पी रही थी उसके साथ। आज मैं रूबीना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना बच्चे ना, आने दे उसे कॉलेज से, उसकी निगाहें बता देंगी कि क्या झूठ है क्या सच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आ गई कॉलेज से? हाँ भाई। कोई परेशानी तो नहीं हुई? सुना है कॉलेज में चाय बहुत अच्छी मिलती है। या अल्लाह, इनको कैसे पता चला? पता लगा उस लड़के का कौन था। इससे पहले वो हमारी इज्जत से खेले, उसका हौसला बढ़ जाएगा, उसके हाथ पैर तोड़ दे। जा। अरे खुदा, तू बार बार ये दिन क्यों दिखाता है मुझे? क्या गुनाह क्या है मैंने? या खुदा, इन हाथों को गुनाह करने पे इतना मजबूर मत कर खुदा, मत कर। हेलो। अरे कहाँ है जग्गू? कॉलेज ना चलना। अरे यार मैं तो तैयार खड़ा था, आज पानी चलना ना हमारा। यार पानी का नंबर है, पिताजी खेत पर को भेज रहे हैं। अरे पहले ही ना बता सकया, मैं चला जाता। अरे यार, अच्छा सुन, तू यार उधर कोई तो निकलेगा हमारे खेत की तरफ को, यार मुझे भी छोड़ दो, निकल जा। अरे जा पर है ना मर, वैसे ही लेट हो रहा हूँ, तुझे छोड़ दूं। बे यार। हेलो, इसके भी साले के दो चार लोंडे बुलाए, किसी दिन चपत लगवाने पड़ेंगे। अरे माँ, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। इतना लेट करवा दिया। देर हो जाएगी आज। अरे ज्यादा चर्बी चढ़ी दिखे जो रोड पे ही खड़े हो गए। अरे मैं कॉलेज के लेट हो रहे हूँ, हटो यहाँ से। अरे बच्चे कॉलेज तो आज तुझे नहीं जान देंगे हम। अच्छा तू कॉलेज ना जान दे मुझे। हाँ बच्चे कॉलेज तो मैं तुझे आज नहीं जान दूंगा। अरे मुझे कॉमेडी पसंद ना, ना तो मैं एक्शन चालू कर दूं। अच्छा रे, तुझे लड़कियों के साथ एक्शन करने में मजा भी आता कहिए? ओहो तू पायल ने भेजा दिखे। तेरी पायल, तेरा ढोलक, तेरे घुंघरू आज सारे बजा दूंगा। अच्छा आजा तो तुझे ही देखू। गेरो गाड़ी का आगे। ये छोड़ दो। के हाथ पकड़ ले। के हाथ तो कदम दे। ओ छोड़ दो। छोड़े छोड़ दो लिकड़ की साले की मर्दानगी। बैठो। बहुत ताकत दिखा रहा था। ताकतवर को ताकत दिखाना अपनी तोहिन करना है। हमसे भिड़ना मौत से भिड़ने के बराबर है। चलो रे आ जाइए अकल ठिकाने। बवाल मचा रखा, कॉलेज ना जाओ तो खेत तक भी चला जा, इससे तो कॉलेज ही चला जाता यार। मोटरसाइकिल तो ये मोनू की लग रही। अरे ये तो मोनू ही पड़ा यार। मोनू, मोनू भाई। अरे मोनू क्या हो गया? मोनू, मोनू क्या हो गया यो? क्या हो गया मेरे भाई?
ये कहाँ रह गए, अब तक आए नहीं, जरा सा काम क्या दे दिया, पूरा दिन निकाल दिया। अगर मैं होता तो अब तक काम करके घर आ गया होता। आजकल के लौंडे जाने कैसे हो गए, जरा सा काम नहीं कर सकते, कत्ल क्या खाक करेंगे। अबे कहाँ था, अब तक मिला कौन था? अबे मतलब भाईजान उसी काफिर को ढूंढ रहा था। मिला के नहीं, मिला। उस काफिर का वो असर किया है, आज के बाद अपनी बीवी को देखते हुए डरेगा। मेरे बच्चे, अरे खुर्शीदा बेगम, बच्चे को दूध पिलाओ, बादाम वाला। अबे तुम बताओ लोंडो, क्या खाओगे, भेजा खाओगे या पाए? भेजा तो आप ही खा गए हमारा, हमें तो पाए खिलवाओ। जावे बाजार से लेके आ, जिंदा लाओ उसे कटवा के। अबे हम कोई कसाई से कम है, जिंदा लेके आया, अपने हाथों से काटेंगे, जा जल्दी। अरे मेरे बच्चे, हाय राम, यू क्यों हो गया? अरे कुछ ना हुआ, मोटरसाइकिल लपट गई ही। अरे ताई कुछ ना हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ बस। ये थारी मोटरसाइकिल तो ठीक है, तुम सच सच बताओ की बात है? ओ थारी भाण खाई, आज तो कोई पहलवान को जबर मिल गया दिखे भाई, हैं? पूरा ही झांग रखा जी भर के। अरे यू ने नक्शा कैसे बदलवा लिया आज? मुझे तो पता भी ना कि कौन है वे। हाँ पब्लिक के तो सींग उभरे, हुड़हुड़ी सी उठे, भाग भाग के पेट में सींग दे। अरे मारे तो ना देता कोई। थारी इतनी कड़वी जबान है, थारी एक दिन कोई न कोई यह इच्छा भी पूरी कर देगा। तुम्हें यह ना दिख रही कि छोरे के चोट लगी है? चल बेटे अंदर। तेरे लाड प्यार ने ही फुटवा रखा, यू ध्यान कर लिए, सुन रही नहीं? सुन लिया, अपना काम करो। देख रहा जग्गू, ऐसे लाड जता रही जने कहीं जंग में फूट के आया। अरे शेर को सवा शेर मिल गया, दो दिया दे किसी ने इसे, समझ गया नहीं? जीताऊ जी, जीताऊ जी बताने लग रहा, फुटवा लाया उसे, होके की नहीं दे दूंगा तेरी गेंद में, निकल जा यहां से। साले बता रहे बात। ए तेरा लाड प्यार निमट गया हो तो चाहे हमें भी पकड़ा दिए। खेत में से आ रहा, कदी पानी भी पिलाओ। लानत है भाई ऐसी जिंदगी पे। तो सुना है किसी ने वो को बहुत मारा है? पता पड़ा किसने मारा? अरे गांव के बाहर वाली सड़क पर मार रहे थे बेचारे को, मेरे बापू ने बहुत दूर से देखा, एक कार आया कमा रुकी, ठीक से कुछ दिखाई न दिया। मेरे बापू की दूर की नजर जरा कमजोर है ना यार। हाँ भाई कार तो काम में किसी पे भी हो सके, तुझ पे भी तो है जिगने। अरे यार पागल है क्या, मेरा तो गाँव का है, मेरा तो भाई है यार वो, मैं क्यों मारूंगा बेचारे को? अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। या चोट अच्छी लग गई, घर वाले कोली जोर ना जान दे रहे। अरे यार उसकी ओर आसी आ रही, उससे कैसे मिला जावे, क्या बहाना मारूं, कुछ भी हो जा कल तो कोली जरूर जाऊंगा। मोनू, ए बेटा मोनू। हाँ? खाना खा ले बेटे। अरे माँ भूख सी ना लग रही? क्यों भूख ना लग रही, चल बैठे आओ, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, बैठे आओ। अरे माँ क्यों रो रही है तू? अरे मैं अब ठीक तो हूँ, क्यों इतनी चिंता कर रही है? बेटे तू ऐसा काम क्यों करता है? तेरी कसम मैंने ना पता कौन है वे। तुझे कहाँ कुछ पता है, मैंने कितनी बार बोला तू लड़ाई झगड़ा ना किया कर। हाँ ठीक है ना करने का। अरे ये क्या हुआ? वो आरती जी, आरती जी, ये कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ ना क्या हुआ? अरे कल ऐसा हुआ, एक सांड हमारे घेर में घुस आया और गांव वाले परेशान हो गए, तो मैं उससे भिड़ गया। थोड़ा बहुत तो कुश्ती में हो ही जाता है ना। लाइए मैं खिलाती हूँ।
आप खिलाओगी? हाँ। नहीं नहीं आप रहने दो। लीजिए। ऐसे तो कोई अपना ही कर सकता है, कोई प्यार करने वाला ही अपने हाथों से खिला सकता है। इसका मतलब ये भी मुझसे प्यार करती है? माँ के हाथ में स्वाद था पर ये तो तिगना हो गया है। रोटी बड़ी स्वाद लग रही है इसके हाथ से तो। अरे बेगम चाय पिलवा दो, बार बार सुगर का बहाना ले देती हो। हम तो तुम्हारी मीठी बातों से मरते हैं, सुगर से नहीं मरेंगे। अरे हेलो। हेलो भाईजान। हाँ भाईजान, वो कॉलेज में क्या? अरे भाईजान वो आज बाजी कॉलेज में। अरे भाईजान मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, देख लीजिए आप। भेज। अरे क्या हुआ छोटे? देखो इसकी इतनी हिम्मत कि हमारी इज्जत से खेले, आने तो मैं इसका खून कर दूंगा। भाई जान खून तो हमारा ही गंदा निकला ना, मैंने कहा था ना और ज्यादा छूट दो उसे। गलती मेरी थी छोटे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हुआ भाईजान, सब खैरियत तो है? अभी तक तो नहीं थी मगर अब खैरियत हो जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाऊंगा। जमालू की इज्जत की कम से कम तू तो परवाह कर लेती, तू भी रेमान निकली। भाई का अंजाम उसे मरने के बाद भुगतना पड़ा था। चुप हो जा भाभी। अपने हाथ से खाना खिलाएगी, तू हट एक तरफ। मेरी इज्जत नीलाम करेगी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। छोड़ दो उसे, छोड़िए भाईजान। रूबीना, रूबीना। या खुदा इसने तेरे बंदे जमालुद्दीन की इज्जत से खेलने की कोशिश की थी। मैं इसकी रूह को तेरे पास भेज रहा हूँ, जन्नत अता फरमाना। से ओ दुआ क्या मांगू, तू ही ना मिली तो बता क्या मांगू। तेरे सिवा रब से ओ दुआ क्या मांगू, तू ही ना मिले तो बता क्या मांगूं। तू ही मेरे रूबरू रहे,
सब से कहे तू ही मेरे रूबरू रहे, दिल बस रब से कहे तेरे सिवा रब से ओ दुआ क्या मांगू। शुरू मेरा दिन होता है तुझसे ढलती है शाम, तेरे बिन बेचैनी रहती तुझसे सुकून आराम। हो तुझसे शुरू मेरा दिन तुझसे ढलती है शाम, तेरे बिन बेचैनी रहती तुझसे सुकून आराम, तेरे बिना शब क्या सुबह क्या मांगू, तेरे बिना शब क्या सुबह क्या मांगू, ही ना मिले तो बता क्या मांगू। जिस्म की मेरे धड़कन है तू रहना साथ हमेशा, मुझ पर अपने इश्क की रखना बरसात हमेशा। हो जिस्म की मेरे धड़कन है तू रहना साथ हमेशा, मुझ पर अपने इश्क की रखना बरसात हमेशा, तेरे बिना बरखा क्या घटा क्या मांगू, तू ही ना मिले तो बता क्या मांगू, तू ही मेरे रूबरू रहे, दिल बस रब से कहे तेरे सिवा रब से ओ दुआ क्या मांगू। सर जी, सुनने में आया वो जमालू की बहन ना तो कई दिन से कॉलेज गई है और ना घर से बाहर निकली है। बिच्छू कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा वो उसका जो आशिक है मोनू, तू उसका पता लगा वो कहाँ है। ठीक है सर जी। ठीक है ना? ठीक है, मैं लगाता हूँ। ला दिखा, क्या तू भी खड़ी रहती है यहीं। और सुना तबरेज भाई? ठीक है चौधरी साहब, हमारे खेत का मसला करवा देते, मामला ज्यादा ही बिगड़ रहा। भाई करवाऊंगा, मैंने रईसुद्दीन को बुलवा रखा, कल वो आ जाएगा, बैठकर तुम्हारा मसला निमटवा दूंगा, चिंता न मानने। ठीक है चौधरी साहब, खुदा हाफिज। ठीक है भाई। अरे माँ, अरे आज तो कॉलेज चले जान दे, 5 दिन हो गए, अब तो मैं ठीक भी हो गया। अरे तेरी कौन सी कलेक्टरी छूट रही भाई, अरे 5 दिन भी तेरे पे निचलवाया बैठा नहीं जा रहा,
पिछली बार तो तू बिना बताए चला गया था, इस बार गया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अरे जब पहले दिन ही कुछ ना हुआ तो अब क्या होगा? चल भाई। अरे कलवाई कहीं भी भाई यार, कैसे ही करके उसे एक बार दिखवा दे यार, और कुछ भी जुगाड़ कर मुझे कॉलेज ले चल यार। ताऊ जी राम राम। हाँ राम राम, बैठ जा बैठ जा। वो ताऊ जी से कॉलेज भेज देते। क्यों भाई? वो आज ना हमारी आखिरी तारीख है ना, उसकी पेपर आ रहे हैं ना हमारे फार्म भरने की। पेपर भी तो उत्तम, पेपर तो थारे अभी हुए ही थे 15-20 दिन पहले। आगे तो आगे, अब इसमें क्या कर सके हम? अरे पापा तुम ही कह दो माँ से भेज देगी कॉलेज। ओ भाई मैं तो कहता ना, तू ही कह दे, पूछ ले उससे और चला जा। पूरी जिंदगी डर के काट दी, एक काम तो आदमी वाला कर दो। अरे भगवान, ए 500 रुपए लेकर आइए, यू कॉलेज जाएगा, इसे कॉलेज के लिए दे दे 500 रुपए। ले। अच्छा ताऊ जी राम राम। और मोनू एक काम करिए, कुछ जूस जास पी लिए, समझ गया? ठीक है पिताजी। इसे यहीं धरेगा, कहीं और धर दे। कुछ हो सके है इनका? अरे इसे रख दे अंदर, बाद में रख दूंगी अंदर। चल ऐसा कर ले, ध्यान से जाना। मैं तो जाके कॉलेज में मौज कर। चल तो फिर। एक बात बता रहा हूँ मैं तुझे, जिस दिन से इसके हाथ में चोट लगी ना, एक भी गमला इधर से उधर नहीं रखा किसी ने भी, और ना इनमें पानी दे रखा। इन्हें गमलों को सही जगह रखवाती रहे, इनमें पानी दिलवा दे, और इन्हें कपो उठा जी, ठीक रख इन्हें जी। मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। भाई आजकल के बालकों का कुछ नहीं पता, चोट इतनी लग रही फिर भी निचलवाए नहीं बैठते, कॉलेज जाएंगे ही, और पता नहीं क्या करेगा, अक जूस जास पीवेगा कि नहीं पीवेगा। अरे वो रूबी ना देखी कहीं? मैंने तो नहीं देखी जी। ओए रूबी ना देखी कहीं? ना भाई। अरे तने देखी कहीं? अरे कहाँ चली गई? ओए रूबी ना देखी तुमने? ना हमने ना देखी। ओ खली। हाँ भाई। अरे वा देखी तने? कौन सी? अरे वाई जिससे तैन 500 रुपए लिए एडमिशन के। ओहो तेरे वाली सेटिंग। हाँ देखी तो, पर ज्यादा गौर से नहीं देखी। कहाँ देखी? अरे उस दिन देखी जिस दिन तुझे खाना खवा रही थी। अरे फुक परे कू। अरे तो दूसरी ढूंढ ले। ना ना बहुत बोल रहे। अरे आजकल कैसा चल रहा है आपका? अरे वो रूबी ना देखी है जो मेरे साथ खेलती थी, वो मैं बुलेट पे भी ले जाता था उसे। अरे यार वो पतली सी, अरे यार उसकी मोटी मोटी आँख थी। नहीं वो आरती रूबी ना कहाँ है? रूबीना उसके घर वालों ने कॉलेज आने से मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर सकती है वो? मैं गई थी उसके घर, लेकिन उसके घर वालों ने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया और कहा कि आज के बाद वो कॉलेज भी नहीं आएगी। और उसका उसका गांव कौन सा है? भमेड़ा। अच्छा मैं चलती हूँ। अब क्या करें? मुझे उसके पास जाना पड़ेगा यार, मैं नहीं जी पा रहा उसके बिगर, मैं नहीं जी पा रहा उसके बिगर। अरे सुन तो, मैं जा रहा हूँ यार उससे मिलने। अच्छा अरे सुन तो, अरे रुक जा, ओ मोनू, अरे सुन तो ले मोनू। मैं यार भाई सुनिए, अरे यार रूबीना का घर कौन सा है? यो ये अगला। यो वाला? हैं। फैक्ट्री तैयार होने लग रही है। ये दोनों यहाँ? रूबीना का घर यही है जी। वो कई दिनों से कॉलेज ही नहीं आई, तो उसका एडमिट कार्ड देना था। कमीने तू यहाँ घर तक आ गया, तेरी इतनी हिम्मत?
जी वो मुझे एक बार रूबीना से मिलवा दो। अच्छा, तुझे रूबीना से जरूर मिलना है, पर उसके लिए तो तुझे मरना पड़ेगा। जी मैं समझा नहीं कुछ। छोटे समझा? तेरी रूबीना को मैंने खुदा के पास भेज दिया है, आलतू फालतू के काम में उलझ कर हमारा दिमाग खराब कर रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो, कहाँ है मेरी रूबीना? मुझे मिलना है रूबीना से। कमीने! मेरे सामने मेरे घर आकर मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करता है? रूबीना! कहाँ है मेरी रूबीना? जब रूबीना से मुलाकात होना तो कहना भाई ने सलाम भेजा है। छोटे जी भाईजान, इसकी लाश को उठाकर इसके गांव में फेंकवा दे, ताकि कोई जमालू की गांव की तरफ को नजर उठा के न देख सके। चलो रे। हाँ जी, कहाँ की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या बताऊं, मोनू की डब से बहुत परेशान हूँ। उसके रोज रोज के झगड़े, अगर इसका कुछ हो गया ना मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। जी हाँ। एक रिश्ता है, इंटर है लड़की, खानदानी घर है, वह लड़की इस घर में आ गई, इसे सुधार लेगी। मैं तो नू कहूँ इसका ब्याह करके ही इसका जो अनाड़ीपन है यो दूर हो सके, बस यू ही मैं सोच रहा है। लड़की देख आऊं, इसी की तैयारी। बिल्कुल सही बात है जी। यार क्या हाल हो गया इसका? ये ताऊ, ताऊ, ओ ताऊ, 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 ये बाहर आवाज किस चीज की आ रही है? हाँ शोर सा तो है, देखता हूँ भाई क्या बात हुई, क्या शोर सा हो रहा। ताऊ देखे क्या हो गया मोनू को, आइयो बाहर को। ओ मोनू, मोनू मेरे बच्चे, मोनू मोनू, अरे क्या हो गया मोनू? अरे मोनू मेरे बच्चे बोल, मोनू मोनू मेरे बच्चे कुछ बोल, मेरे बच्चे मोनू, जितने पैसे चाहिए तुझे पैसे दूंगा मोनू। चक्कू क्या हो गया इसे? चक्कू पुलिस से ना जमालू के घर के लिए निकला था बस। जमालू मेरा बच्चा, जमालू जमालू, रुको तो। अरे रुक तो जाता हूँ। अरे देखिए सांस तो चल रही इसमें। अरे भाई जमालू की गाड़ी आई थी भमेड़ा से, उसके आदमी फेंक के गए, उससे तो जो पंगा ले वो ऐसे ही करे। ताई राम राम। ताई राम राम। ताई तेरे छोरे का तो बुरा हाल है, आज तो ऐसा हुआ, आज गांव के लड़कों ने उसे तालाब में फेंक दिया बेचारे को, और ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे, आज तो मरते मरते बचा बेचारा। हे भगवान तूने इस घर पे कैसा कहर ढाया। ताई तू चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले। घर का देखो क्या नाश हो गया, ना इसे धूप की पता ना छांव की पता। वो तो है, ऊपर से घर वाला भी मर गया था बेचारा पहले ही, और अब लड़का भी पागल हो गया। इस घर का तो भगवान ही मालिक है भाई, हे भगवान। पागल आजा मजे लेंगे। ओ ऐसी डोर लगाएगा, ले 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 ले। ताई राम राम। ताई तू क्यों खुद को जला रही है? अरे मन को उदास मत करे, भरोसा रख भगवान पे, मोनू एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं लगा तो पड़ा हूँ, अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा मोनू को ठीक कराया के बिल्कुल तेरे पास लेकर आऊंगा। देख तू उदास मत हो, ले खाना खा ले। ताई अगर मेरी जगह मोनू होता तो क्या तू तब भी ऐसी मुंह फेर लेती? मैं तेरा बेटा ना हूं, अपनी माँ से बाद तुझे मैंने अपनी माँ माना,
और मोनू मेरा भी भाई है, उसे बिल्कुल ठीक कराए गए तेरे पास लेकर आऊंगा मैं, तू उदास मत हो, खाना खा ले। अच्छा ताई अब मैं चल रहा हूं, पर तू खाना जरूर खा लिए, नहीं तो ताऊ का दिल बहुत दुखेगा। देख तो यार मोनू, रूबीना, रूबीना, मोनू पहचानना मुझे, मैं जग्गू यार, तेरा दोस्त, तेरा भाई। मोनू यार क्या हाल बना लिया तेने यार, वह तेरी माँ तिल तिल मर रही। मोनू देख पराठे और अचार तुझे बहुत पसंद है ना, देख इस पे पेपर की लाइन भी छप गई होंगी। मोनू यार तुझे कुछ भी याद ना, तू सब भूल गया यार, मैं तू कॉलेज जाते थे यार, रूबीना उसकी दोस्त आरती, चाय पीते थे यार साथ में। रूबीना, रूबीना कहाँ है? अरे मेरे यार मर गए रूबीना, 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 मोनू, रूबीना, 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 छोड़, रूबीना, रूबीना, ये लोग कहाँ पागल हो गए सब? नुकरे तुम मर गई, तुम आ जाओ ना मेरे द्वारा रूबीना, आ जाओ ना, आ जाओ ही समझाओ इन्हें, बताओ कि तुम कहीं गई हो? आई हूँ। अरे जग्गू, अरे खली यहाँ कैसे भाई? मैं अच्छा हूँ। और पलटन कहाँ तेरी? अरे यार वो भी जब तक की बात थी जब तक तुम लोग थे, अरे थरे आने के बाद ना तो कोई पलटन अच्छी लगी ना कोई कॉलेज, अरे अब तो पलटन से बिछड़े हुए बहुत। बैठ बैठ। अरे चाय बना दियो भाई। और बता भाई मोनू का क्या हाल है? क्या बताऊँ यार मोनू का हाल, भाई कंडीशन ऐसी हो रखी है कभी कभी तो ऐसा लगे इससे तुम मर जाओगे। अच्छे यार बहुत बुरा हाल है, सड़कों पे ऐसी धक्के खाता हूँ मैं यार, बालक छेड़े हैं उसे कदी मजिले में यार। भाई जग्गू यू वक्त की बात है, वरना एक जमाना था मोनू के सामने बोलते हुए आदमी का पेशाब निकल गया था। सही बात है, पर क्या करे यार बड़ा दिमाग खराब है, कोई तमीज का डॉक्टर भी तो ना मिल गया। अरे हाँ यार मैं बातों में भूल गया, मैं इसलिए आया था कि वो जो है ना पायल, वो दिमाग की बहुत बड़ी डॉक्टर है। पायल वो कॉलेज वाली? हाँ वही कॉलेज वाली जो मोनू की दीवानी थी। अच्छा वो ऐसा कॉलेज छोड़ के उसने कहीं कोर्स करा है, आजकल बहुत नाम है उसका, उससे बात कर ले। पर यार ढूंढू कहाँ उसे मैं? अरे मैं सब जुगाड़ करके ले, नंबर है मेरे पास, फोन नंबर है? हाँ
लेसी कर ले बात, जा कर ले। हेलो। हाँ पायल जी। जी कहिए। पहचाना? नहीं। मैं जग्गू। अरे जग्गू जी, आपको कैसे भूल सकते हैं, आपसे तो हमारे जीवन की अहम कड़ी जुड़ी हुई है। खैर छोड़िए, बताओ कैसे याद किया आज? अरे वो मोनू के बारे में बात करनी थी। मोनू के बारे में बात करनी है? हाँ। क्या हुआ उसे? अरे बस ऐसे ही है उसका मामला। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो हेलो। अरे के भैया, मान गई? फोन काट दिया यार। हाँ कर दी। कहाँ माननी? पायल तू कितनी स्वार्थी हो गई है ना, भले ही वो तुझे ना चाहता हो लेकिन तू तो उसे दिलो जान से चाहती है ना। पायल सोच क्या रही है, फोन उठा और बात कर। अरे तू क्यों चिंता कर रहा, मिल के बात कर लेंगे, घर में बता दूंगा उसका। और सुन, इस इलाके की सारी वीर बहनों का पता मेरे पे। हेलो। हेलो जग्गू जी। हाँ पायल जी, मुझे पता था आप फोन जरूर करोगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। बताइए जी, आप एक बार आके उसे देख लो। ठीक है मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है पायल जी। हाँ, हो जाएगा ठीक। इस पागल ने परेशान कर रखा। यू है सुना मानो, इसने मारो। क्यों बात कर दीजिए, क्यों बात रख रहा है? जमीन के सामने मुतरा। सलम करो सलम, पागल है यो। इसे क्या पता, अगर इतनी दिक्कत है ना तो अपनी घरवाली से कह दे दूसरी लकू में फेल लेती। साले जाहिल, भूल गए सब कुछ, क्या क्या करा इनने तुम्हारी लियो। ओ बिरजू बताता क्यों ना, अब तुझे भी दिक्कत है, जब पूरे गांव ने तेरा साथ छोड़ दिया था ना, अकेला मोनू था जो तेरे साथ था, और आज इसके हालातों का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम सारे। चलो निकलो यहाँ से। जग्गू, मोनू ये सब क्या उठा रहा है? वो दरअसल ना, इस पे छपी हर तस्वीर में इसे रुबीना नजर आती है। अच्छा अच्छा, तुम मोनू की रिपोर्ट लेके आए? हाँ वो मंगवाता हूँ मैं अभी। जग्गू, मैं मोनू को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ डेली नहीं आ सकती, तुम्हें इसे कैसे भी करके मेरे घर पहुंचवाना होगा। अरे यही तो समस्या है, ये कहीं जाता तो नहीं? जग्गू तुम एक काम करो, मोनू को कैसे भी अपनी बातों में लगाओ, उसे फुसलाओ, और उसके बाद मैं उसको इंजेक्शन लगाऊंगी और फिर वो बेहोश हो जाएगा और फिर हम उसको आराम से अपने घर ले जा सकते हैं। ठीक है जाओ तुम करो काम। हे भगवान, ये क्या हो गया इसको। मोनू, तुझे मेला देखना था ना, मैं तुझे मेला दिखाए के लाऊंगा, तुझे खिलौने दिलवाऊंगा। मोनू सुनो, मैं ना तुम्हें बहुत सारे फोटो दूंगी, लेकिन तुम ना एक बार इंजेक्शन लगवा लो। हाँ बहुत सारे फोटो दूंगी तुम्हें। फोटो हो गया। रस्सी है क्या कोई? रस्सी क्यों? अरे बांध देता ना इसे, ये रुकेगा ना ऐसे। अरे पागल हो तुम, ये कोई जानवर थोड़ी है रस्सी। तुम परेशान मत हो, मैं खुद संभाल लूंगी। और हाँ,
आज मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से बात की थी सुबह, आज से ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और कोई भी बात हो फोन पे बता। अच्छा। अरे मोनू, उठ गए तुम? डरो मत, ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, तब तक तुम नहा लो। और अच्छे बच्चे की तरह अगर तुम नहाओगे फिर मैं तुम्हें बहुत सारे फोटो दूंगी, ठीक है? चलो अब तुम नहा लो। लाओ। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हो तुम, है ना? आओ, मुझे बाहर जाना है। हाँ ठीक है, पहले खाना खा लो फिर बाहर चलते हैं, ठीक है? आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। लो, लो खाओ मोनू, लो खाओ ना मोनू। जाना है मुझे, जाना है मुझे, जाना है मुझे, जाना है। अरे मोनू कुछ नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? चलेंगे, अभी चलेंगे। सुनो एक सेकंड, क्या हुआ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? चले। क्या कर रहे हो? सीधे लेटो, सीधे लेटो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, दिखाऊंगी, जल्दी सीधे लेटो। ये देखो। चलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते पायल जी, बताइए। सर जो ट्रीटमेंट आपने बताया था वो मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छा जी। तो कोई प्रॉब्लम? पूरा रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है, मेरे ख्याल से पूरा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा जी। देखो पायल, अक्सर ऐसे केस में ऐसा ही होता है, कई बार मरीज ठीक भी हो जाता है और कई बार नहीं भी होता। मैं तुम्हें कुछ इंजेक्शन के नाम भेज रहा हूँ, उसे वो दो। और हाँ जी, जितना हो सके उसे रुलाने की कोशिश भी करो, दिल में दबी तकलीफों को निकालने के बाद ही इंसान को होश आता है। ओके सर, मैं कोशिश करती हूँ। ओके फाइल। ओके सर, ठीक है सर, बाय। नमस्ते। नमस्ते। कैसे रुलाऊं मोनू को, कैसे रुलाऊं? हाँ जग्गू। हेलो। हेलो जग्गू। हाँ पायल। मैं बता रही थी ना तुमसे, मेरे सीनियर डॉक्टर जो हैं, हाँ उन्होंने बोला है
कि अगर हम मोनू को रुलाएं, उसे ज्यादा से ज्यादा रुलाएं, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। अच्छा हाँ। फिर तो एक ही तरीका है। क्या? उसे ना रूबीना की जितनी ज्यादा याद दिलाई जाए उतना ही ठीक है। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, रूबीना कैसे बोलती थी, कैसे चलती थी, कैसी दिखती थी? अच्छा हाँ, मुझे सब बताओ। अच्छा सुनो, आज तुम भी आ जाओ। ओके। ठीक है? ठीक है। मोनू देखो, लो आप खाना खा लीजिए। मोनू अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना तो फिर मैं तुम्हें फोटो नहीं दूंगी। ठीक है, खा लो। सुनो, मैं सब बताती हूँ। तुम यहाँ बैठो। मैं सब बताती हूँ। रुको मोनू, मैं सब बताती हूँ। तुम बैठो, बैठो एक बार, बैठो। रिलैक्स। मुझे जाने दो मोनू, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। मुझे जाने दो, बैठो। मेरी रूबीना को मार दिया। बैठो, मैं तुम्हें को मार दिया। रो मत मोनू, सब ठीक हो जाएगा। पाल भैया कैसे? मोनू ये मेरा घर है और तुम्हें मैं और जग्गू लेके आए हैं यहाँ पे। जग्गू कहाँ है? बस आता ही होगा, मैंने बुलाया है उसे। ठीक है मोनू, तुम्हें सब याद आ रहा है ना? पायल आराम से। पायल जी। और पायल जी क्या हाल, कैसा है मोनू, परेशान तो ना करे जाते? नहीं नहीं, आओ आप खुद ही देख लो। वैसे आज तो बिल्कुल रूबीना जैसी लग रही हो। क्यों मार दिया उन जालिमों ने? मोनू। हाँ मेरे यार, सब ठीक हो जाएगा मोनू, सब ठीक हो जाएगा मेरे यार। माँ का बहुत बुरा हाल है, रो रो के। तू चली यार। हाँ माँ, माँ माँ हाँ माँ मेरे बिना बेचैन हो जाती है। पर यार पापा तो उन्हें संभाल सकते हैं। कैसे संभाले यार, अब वो इस दुनिया में नहीं है यार। क्या बोल रहा है जब्बू तू, सही सही बोल। ये सच है मोनू, मेरे पापा ओके हुआ। मोनू एक साल मैं कहां था और मेरे पापा को क्या हुआ? जाको तू बोलता क्यों नहीं है? बताता हूं भाई,
बताता हूँ भाई बताता हूँ। जब जमालू के गुंडों ने तुझे तेरे घर के बाहर फेंक दिया था, तेरे पापा से वो बात सहन ना हुई और वो गुस्से में जमालू के घर चले गए। जमालुद्दीन, रामजद, तूने मेरे मन को मार दिया, मार दूं तुझे। रामजद, जिसका हमने कभी पसीना नहीं गिरने दिया, उसका तुमने खून बहा दिया। मार दूंगा तुम्हें रामजद, रामजद, रामजद। और जमालू और गुंडों ने उन्हें मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। ए भगवान, उनकी क्या गलती थी? और जग्गू, वो मुझे डांटते थे पर वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, वो हमेशा किसी चीज की मने नहीं करते थे। उन जालिमों ने मेरे पापा को क्यों मार दिया? अरे वो मुझे मार देते, मेरे पापा का क्या गुनाह था? जग्गो, मेरे पापा। मोनू, अब तू घर चल और बता दे सबको मोनू वापस आ गया है। नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। पर क्यों, ये तो बता मेरे भाई। नहीं, किसी को पता चलना चाहिए कि मोनू ठीक हो गया है। मतलब? मतलब मैं उन जल्लादों को उनकी सजा दूंगा और मैं उन जल्लादों को उनकी औकात दिखाऊंगा। लेकिन ये सब करेगा कैसे भाई तू? तुम मेरे साथ हो ना? हाँ। ये तू पता कर, वे किस टाइम जाते हैं, किस टाइम खाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, पता कर जग्गू, पता कर। ठीक है मोनू, मैं पता करता हूँ, पर देख तू जो भी करेगा ना बहुत ध्यान और चतुराई से करेगा यार, वो कोई आम इंसान नहीं है। अरे मोनू, एक बार पागल बन सकता है, हर बार नहीं, उनसे भी बड़ा चल्लाद है मोनू, जब अपनी सी पे आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं पता करता हूँ। मोनू, जग्गू सही बोल रहा है, वो लोग इंसान नहीं, सच में जल्लाद हैं। उनके लिए मरना और मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम ये ध्यान रखना, घर पे तुम्हारी माँ भी इंतजार कर रही है। ठीक है, जो भी करो ध्यान से करना। पायल, तुम चिंता मत करो, मैं जो करूंगा वो ठीक करूंगा। मोनू, जग्गू का फोन। हाँ, मुझे दो। ठीक है मैं पहुंचता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अबे छोटे सराफत की अम्मी का इंतकाल हो गया, आज उनके फातिये हैं, चला जाइए थोड़ा सा उधर को। भाई जान, अब हम लोगों के फातिये में जाने के लिए रह गई क्या? हम लोगों के फातिये खुद पढ़ते हैं। अरे सरकार, जब तुम ही किसी के फातिये में जाओगे तुम्हारे में कौन आ जाएगा?
अबे हरामी भूतनी के फालतू की बातें कर रहा है। बे ऐसा कौन है जो जमालुद्दीन को मार दे। अबे हमने दुनिया को काटा, तू हमें कटवाने की बात कर रहा, भैंसों के खानदान के। भैंसों के खानदान का साला भैंसा। अबे छोटे। हाँ जी। ये तो वही पागल है, साला मरा नहीं। हाँ है तो वही। जिंदा है अभी, जरा बुला तो सही इसको। ए पागल इधर आ। अबे सुन तो सही, भाईजान बुला रहे हैं। अरे बेटे आ जा इधर आ, चल इधर आ। भाईजान ऐसे नहीं आएगा, ये इसे कुछ खाने को दो। बिस्किट दे इसको। ले बेटा आ जा, बिस्कुट खाओगा, ले आ जा। आ जा। अबे आ जा। ओ वैसे तेरा भाई। तेरा भैया, ये भैया खाएगा, ले खा ले। अबे ये सूखा बिस्किट नहीं खाने का, जमालू की बरकत तो मिलने दे, ऐसे खाएगा। बे खा ले, ले खा। अबे खाएगा कैसे नहीं, खा खा खा। अबे साले खा। अबे भाई जान ये साला पागल खा ही नहीं रहा। अबे ऐसे कैसे ना खागा, इसके हलक में डाल दे। कितनी बार मना किया था, छोड़ दो ये सब काम, बुरे कामों का तो बुरा ही अंजाम होता है। अपनी दो बहनों का भी खून कर दिया, इसके बाप की कोई गलती नहीं थी, फिर भी इन्होंने मार दिया। आज ये बालक भी खुश हैं। तुम रुको जग्गू, मैं अभी बात करता हूं तुमसे। हेलो जी सर, नमस्ते। हाँ जी प्रिंसिपल साहब, बताओ क्या बात सर, है सर। आज जमालो और आफ्ताब के यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है जी, बाकी मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। ले भाई जमालू का तो काम हो लिया तमाम, तू अब एक काम कर, छत्रपाल को फोन कर और उनके गांव में जाके गश्त लगा, बाकी मैं देख लूंगा। सर जी जब वो मरी गए तो अब आप क्या देख लोगे। अरे यार जिसने उसे मारा है, मार के ये नेक काम करा है, उस आदमी को ज्यादा सजा ना हो तो ये हमारे होते हुए होना नहीं चाहिए। तो अब जल्दी एक काम कर, गाड़ी निकाल। ठीक है फिर मैं निकलवाता हूँ। अरे शिवांग दिखाइए फाइलिया। अरे छठे महीने इलेक्शन ही रखे रहे हैं साले, कभी प्रधानी के कभी कहेंगे कभी कहेंगे, देखो किस किस के मुँह चढ़ के आए हैं। अजी ये सर सारे पिछले वाले ही। और तो नया तो ना है कोई? ना कोई ना, सारे पिछले वाले फिर आए। दीवान जी। हाँ। एक बीड़ी दियो। अरे तुझे दुकान वाले लग रहे क्या हम? ओए चल अपना काम कर। अरे साहब एक बीड़ी तो मांग रहा हूँ। चल। सर जी किसके पास खड़े हो? तो जमालू और उसके भाई का मर्डर कर रहे हैं। इसे ना जी, इसे गिरफ्तार करो। जमालू आफ्ताब का मर्डर करा है? जी। इसे ना मार दिया, खुखार गुंडा आ गया यो। हाँ जी। इसे ना मार दे, हम मान लें, हम पागल हैं। क्यों भाई, इसे अपना हाउस तो है ना,
किसने मार दिया जमालो आफ्ताब को? तन्ना मार देगा जमालो आफ्ताब को? ये गंदा खून जमालू और जमालू के भाई का ही है। देख भाई, गलत तो तन्ना करा, थाना तो तुझे जाना पड़ेगा हमारे साथ। चल भाई लेके चल। एक मिनट सर, एक मिनट। एक मिनट क्यों? आप इसे कहां ले आ रहे हैं? इसको मैं थाने लेके जा रहा हूँ। इसने खून करे एक नहीं दो। अच्छा, जिनका खून इसने किया है उन्होंने कितने खून किए थे याद भी आपको? अरे सर आपको कहां याद होगा, उनके खिलाफ कभी रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं थी। अरे सर शुक्र मनाओ इसका, इसने इस गाँव से गंदगी खत्म कर दी, और आप जो काम बहुत समय तक नहीं कर पाए वो इस बेचारे ने कर दिया। हम आपकी हर बात से सहमत हैं, लेकिन इसमें और उनमें कोई फर्क तो है ना? और आज ये मुजरिम है, इसने खून करा है, हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। सर आपको लेके जाना है ना, तो आप ले जाना, पर उससे पहले ना एक बार इसकी माँ से इसे मिलवा दो। वो बहुत टाइम से दरवाजे पर निगाहें गड़ाए खड़ी है इसकी एक झलक पाने के लिए, और उसका हाल तो इससे भी बहुत बुरा है। सर इसे भागना ही होता तो ये यहाँ क्यों खड़ा होता? प्लीज सर, एक माँ की ममता के लिए इसे अपनी माँ से मिलने दीजिए सर। चलो तुम सब इतना कह रहे हो तो एक बार मिलवाई देते हैं। चलो किधर है इसका घर? अगर कुछ पैसे बच जाना तो अपने बाप के लिए कफन भी देता ही है। माँ, बेटा, कौन चला गया था तू? तूने एक बार भी नहीं सोचा अपनी माँ के बारे में। तू चला गया, तेरी माँ का क्या हाल होगा तेरे पीछे से? तूने ये क्या हालत बना रखी है? चले भाई। ये पुलिस क्यों आई है? मैं मोनू कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। माँ तू चिंता मत कर, ये पुलिस इसलिए आई है, मैंने पापा के कातिलों को उनकी जगह पहुंचा दिया है। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। बहन जी आप चिंता मत करो, मोनू वैसे तो बहुत अनाड़ी है लेकिन स्कूल के हर इंसान के दिल में बसा हुआ है, आज मुझसे भी नहीं रुका गया। रही बात आपकी ममता की परीक्षा की, तो भगवान वो ज्यादा दिन नहीं ले सकता, कोई जेल ऐसी बनी हुई नहीं है जो मोनू को रोक सके। बहुत जल्द मोनू आपके बीच में होगा और हम सब लोगों के साथ होगा, हर इंसान मोनू के साथ है। ताई क्यों चिंता कर रही है तू, आ जाएगा भाई बहुत जल्दी, जब तक तेरा दूसरा बेटा तो है। जग्गू सर ये लो मोनू के मेडिकल सर्टिफिकेट, आप इसे कोर्ट में देकर मोनू की सजा कम करवा सकते हैं, ये सच सिर्फ आपको पता है सर। पायल हाँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है और जो मैं जिंदा हूँ आपकी वजह से हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मोनू जी आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे, आप तो सच्चे इंसान थे जिसने कभी मेरे प्यार का गलत फायदा नहीं उठाया। और हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि जब तक आप वापस आओगे ना मैं माजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, ठीक है? बस तब तक ही, हमें तो लगा हमेशा रखोगी, क्यों ताई? हाँ ठीक है, इतनी अच्छी लड़की को मैं जाने थोड़ी नहीं दूंगी। माजी चलो। सिवा रब से ओ दुआ क्या मांगूं, तू ही ना मिली तो
बता क्या मांगूं तेरे सिवा रब से, ओ दुआ क्या मांगूं, तू ही ना मिले तो बता क्या मांगूं, तू ही मेरे रूबरू रहे, दिल बस रब से कहे, तू ही मेरे रूबरू रहे, दिल बस रब से कहे, तेरे सिवा रब से ओ दुआ क्या